आज हम मैथमेटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं और उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को कैसे आसान ट्रिक से सॉल्व करेंगे इसके विषय में बात करेंगे। आज जो है क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी संख्या को 4, 5, 7 से क्रमागत भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 शेष बचते हैं, तो उसी संख्या को 7, 5, 4 से भाग देने पर क्या शेष बचेंगे। यानी कि कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि जब हम कोई संख्या उसको 4, 5 और 7 से जब हम भाग करते हैं तो शेष के तौर पर 2, 3 और 4 बचती है। तो आपसे पूछा जा रहा है उसी संख्या को 7, 5, 4 से भाग देंगे तो कौन सी आएंगे। तो सबसे पहले हमें संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए डिफरेंट क्या एक ही है, तो सभी का डिफरेंट एक जैसा नहीं है, अलग अलग डिफरेंट है। इस कंडीशन पर क्या करेंगे, इसको इसके साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद इसके साथ क्या करेंगे, गुना कर देंगे। फिर इसके साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर इसके साथ इसको गुना कर देंगे। फिर इसके साथ इसको जोड़ देंगे। यानी कि तिरछा जहां पर होगा वहां गुना और जहां सीधा आएगा वहां पर प्लस। तो यहां पर सबसे पहले 7 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 7 और 4 को जोड़ते हैं तो 11 को 5 से गुना करते तो 11 + 5 कितना आ जाए, 55। 55 में फिर 3 जोड़ते हैं तो 55 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएंगे, 58। 58 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 232। 232 में 2 अगर हम जोड़ देते हैं तो आ जाएंगे कितने, 234। यह 234 से यह क्या आ चुकी संख्या हमें पता चल चुका, यह आपका संख्या, मतलब कि यही एक संख्या है जो कि 4 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, 5 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 7 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। अब इस संख्या को कहा जा रहा है कि जब हम 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4 से भाग देंगे तो कितना आपका बचेगा। क्वेश्चन जो यही आपसे पूछा जा रहा है, यही आपसे कहा जा रहा है। तो सिंपल सा तरीका से आप इसको भाग दीजिए, एक बार 7 से भाग दीजिए, एक बार 7 से भाग दीजिए, एक बार 5 से भाग दीजिए और एक बार 4 से भाग दीजिए। बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत ही आसान है, आप आसान तरीके से इसमें शॉर्ट आउट कर सकते हैं, बहुत ही इजी माध्यम से आप यहां पर शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर जनरल मेथड से भाग दीजिए, या तो आप इसमें ट्रिक अपनाना चाहते हैं तो यहां पर ट्रिक से भी यहां पर अपना सकते हैं। तो ट्रिक से बनाने के लिए यहां पर 3, 2, 3, 4 यहां पर लिखिए। 2, 3, 4 को लिखने के बाद इसको अगर भाग देते हैं जनरल मेथड से, तो जनरल मेथड से इसमें भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिए पहले, तो 7 से जब हम भाग देंगे तो यह कितने आ जाएंगे, 33। यानी 3 बार में जाएंगे, ये हो जाएंगे 21, यहाँ पर बन जाएंगे 24 और यहाँ पर हो जाएंगे कितने, फिर से 3 से तो यहाँ हो जाए 21। यानी कि इस प्रकार से इसका शेष कितना है, 3। इसका शेष कितना आ चुका, 3 आ चुका। फिर इसी संख्या को हम भाग देते हैं 2, 3, 4 को फिर से भाग देते हैं 5 से, फिर से 5 से जब हम भाग देते हैं तो 5 चौके कितना, 20, देन 3, देन 4, 6 + 5 कितना, 30, देन कैरी 4, रिमाइंडर 4। फिर इसी संख्या को जो है 2, 3, 4 को अगेन हम भाग देते हैं किस से, 4 से, तो 4 से अगर भाग देंगे तो यह जाएगा कितने बार में, यह जो चला जाएगा 5 बार में, यानी 5 चौके कितने हो जाएंगे, 20, 3 उतरेंगे फिर 4, 8 चौके कितने हो जाएंगे, 32, कितने हो जाएंगे, 2। यानी कि पहला से निकला हमारा 3, दूसरा से निकला हमारा 4, तीसरा से निकला हमारा 2। इस प्रकार से कह सकते हैं यह ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल भी सही जवाब है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन लंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में बता दिए। आप इसको शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं, डायरेक्टली इसमें से भाग देकर आप डायरेक्टली आंसर को भी ला सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको कौन सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, यहाँ पर लिखें, एक भाजक गुणनफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 हो तो विभाज्य तो भाज्य क्या होगा। तो यहाँ पर भाज्य क्या होगा इसके विषय में पूछा जा रहा। तो बहुत ही इजी तरीके से हम यहाँ पर बताते हैं, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर जो शॉर्ट आउट करके यहाँ पर बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर भाजक निकालते हैं। तो भाजक कैसे निकालते हैं ये चीज़ ध्यान से सीखिए, ध्यान से समझिए। तो भाजक बराबर कितने हो जाते, भाजक बराबर होते भागफल
का 25 गुना, भागफल का कितना है 25 गुना, तो भागफल है कितना 16, यानी 16 इंटू हम यहाँ पर क्या कर देंगे 25, यानी यहाँ पर हो जाएंगे हमारा 400, 400 हो जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा कि भाज्य क्या होगा, तो भाज्य क्या होगा यही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो भाज्य क्या होगा ये चीज़ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले भाजक हम निकालते हैं, तो भाजक हमारा कितना आ जाएगा वो चीज़ यहाँ पर जानते हैं। फिर लिखा हुआ यहाँ पर शेषफल का 5 गुना है जितना भी है, अगेन फिर से एक भाजक और एक दिया गया कि भाजक फिर से कहा जा रहा कि भाजक जो है कितना है शेषफल का, शेषफल का कितना है 5 गुना है। तो भाजक हमारे पास जो है कितना है 400 दिया गया, यानी कि 400 दिया गया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम इस बात का पुष्टि कर सकते हैं कि यहाँ पर शेषफल बराबर हमारा कितना हो जाएगा 400 इंटू 1/5, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 80, यानी शेषफल कितना आ चुका हमारा, शेषफल जो है 80 आ चुका है। अब आपके पास भाज्य बराबर, आप जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, यहाँ पर सूत्र होता है भाज्य बराबर होता है हमारा, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है याद रखिएगा क्या होता है भाजक प्लस शेषफल, भाजक भाजक प्लस प्लस भागफल, भागफल प्लस शेषफल, प्लस क्या होता है दोस्तों शेषफल, यह फॉर्मूला होता है, इसी पर मान को प्लेस कर दीजिए। तो यहाँ भाजक जो है, भाजक कितना आ चुका, भाजक हमारा 400 है, भाजक कितना है 400, और शेषफल हमारा कितना आ चुका, शेषफल हमारा कितना है 80, शेषफल हमारा 80 है, और भागफल कितना है, भागफल कितना है दोस्तों, भागफल हमारा कितना है 16 है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो प्लस यहाँ पर कर देंगे 16, उसके बाद सॉरी यहाँ पर गुना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कर देंगे गुना मल्टीप्लाई 16, और शेषफल कितना है, शेषफल हमारा कितना निकला 80। अब इन दोनों को जोड़िए और गुना कीजिए तो आएगा आपका 6480, यही आपका सही आंसर है, यानी 6480 ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखिए ये यहाँ पर कि एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर शेष एक बचता है। एक संख्या है, कोई भी संख्या, उसको जब हम विभक्त करते हैं तो वह कितना बचता है, एक बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग देते हैं, भागफल को कहा जा रहा है 5 से भाग दे दे तो 3 शेष बचता है, यदि इस संख्या को 65 से भाग दे दे तो शेषफल क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पर हम बनाते हैं, बहुत ही इजी है दोस्तों, कोई यहाँ पर हड़बड़ाने का जरूरत नहीं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 13 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 5 लिख देंगे, क्योंकि जब 13 से हम विभक्त कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच जा रहा है, एक बच जा रहा, और जब 5 से हम यहाँ पर कर रहे हैं, 5 से जब हम विभक्त कर रहे हैं तो शेष कितना बचता है, 3 यहाँ पर बचता है। अब आपस में क्या करेंगे, सीधा है तो प्लस, तिरछा है तो गुना कर देंगे, यहाँ जैसे हम पिछला वीडियो में बताए थे सेम प्रोसेस, उससे क्या हो गया हमको संख्या पता चल जाएगा, यानी 5 3 8, 8 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 104, और 104 और 1 कितने हो जाएंगे 105, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं जो संख्या हमें निकला वो संख्या कितने पर पता चल गया 105। अब 105 को हम क्या करेंगे, हम कर देंगे 65 से भाग कर देंगे, तो 65 से अगर हम भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 65 आ जाएगा, उसके बाद 65 में इसको लेस करेंगे तो आ जाएगा कितना शेषफल 40। वही पूछा गया था कि शेषफल कितने हो जाएंगे, तो शेषफल हमारा 40 हो जाएंगे, यही आपका सही आंसर है ना, काफ़ी गजब का ट्रिक। सिर्फ इस ट्रिक को याद रखिए, आपका क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगेगा। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, लिखे गए किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेषफल 31 बचता, किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेषफल 31 बचता है, उसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जब भी दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो हम कैसे बनाएंगे, ये सबसे बड़ी मुद्दे वाली बात यहाँ पर है। हम क्या करेंगे कि यह जो 31 है शेषफल को, यह जो शेषफल है इस शेषफल को इसके साथ भाग कर देंगे, ठीक है, यानी कि
यह 31 को हम क्या करेंगे 15 से भाग कर देंगे, 15 से भाग करेंगे तो आएगा कितना 2, 30 आएगा और यहाँ बचेगा 1, यही आपका आंसर हो गया यानी ऑप्शन 1 है ना, काफ़ी गजब का ट्रिक। याद रखिएगा 45 दिया गया है और 31 कहा जा रहा है शेषफल, तो इस शेषफल को इस से भाग कर देंगे, जो शेषफल बचेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका इसमें ट्रिक है। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर लेकर हाजिर हो चुके हैं, यह भी क्वेश्चन बहुत ही बेटर है, इसको क्वेश्चन को भी एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा बार जो है रिपीटेड लोग करते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा 5 के पावर q यानी 0.5 के पावर q, 0.6 के पावर q। तो सबसे पहला उपाय है कि इसका क्यू करके जनरल मेथड से आप निकाल सकते हैं और सबको जोड़कर आप बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों जनरल मेथड से अगर निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। इस कंडीशन पर हमको क्या करने होंगे, सिंपल सा और सबसे आसान सा तरीका हम यहाँ पर आपको जो है बता रहे हैं। सिर्फ क्या कीजिए, इन दोनों को आपस में प्लस कर दीजिए, ये जो दोनों संख्या है, दोनों का जो भीतर वाला संख्या है, दोनों को सिर्फ प्लस कर दीजिए, यानी कि 0.5 प्लस 0.6 दोनों को प्लस करने पर आएगा 1.1, यही आपका सही आंसर है यानी 1.1 है ना, काफ़ी गजब का ट्रिक। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन रहे तो कुछ नहीं करना, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर, दोनों को इंक्लूड कर लेना है और इंक्लूड करने के बाद आपका डायरेक्टली आंसर आपका आ जाएगा। क्यों आया, कैसे आया, अगर जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल्स में हम बताएंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी नीचे सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।